उनको आज सम्मानित किया जाए। आपको फेलिसिटेट करने का मूल उद्देश्य ही होता है ये बताना, आपको ये एहसास कराना कि आप स्पेशल केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए स्पेशल नहीं, आप हम सारे लोगों के लिए स्पेशल है। ये एहसास करा दिया जाता है कि आप स्पेशल हैं, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि राज्य की मुख्यमंत्री जो हमारे बंगाल को शहर आसनसोल कुल्टी रानीगंज जमुनिया, ये जो आसनसोल कॉरपोरेशन है, इसे जब हम बंगाल में एक नंबर में ले जाना चाहते हैं तो ये सभी संभव है। जब हमारे ये बच्चे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट कर रहे हैं, इनकी जो काबिलियत है उसको हम सही ढंग से हमारे शहर के डेवलपमेंट में यदि लगा पाए, हमारे डेवलपमेंट में उनका जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें दीदी ने तो सब कुछ करके रखा है, साइकिल भी दे रहे हैं और जितने भी प्राइज वगैरह है या फिर आपका बुक्स है, ड्रेस है, बैग है, सब कुछ है। बट जो बच्चे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उन लोगों में क्या है कि उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग कुल्टी में टोटल 60 स्कूल है प्राइवेट, जिसमें से हर 10 बच्चों का हम लोगों ने लिया 70 बच्चों ने 70 बैग डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। आज के इस प्रोग्राम में कौन कौन सा मेहमान आए थे? हमारे मेयर सर आसनसोल कॉरपोरेशन से गुरविंदर जी, और यहाँ पे हमारे जो वृद्धाश्रम चलता है कुमारपुर से वहाँ के ऑनर आए हुए हैं, और 100 नंबर वार्ड में काउंसलर रंजिता शर्मा मौजूद है। इस प्रोग्राम से इस कुल्टी क्षेत्र के स्टूडेंट को और आगे क्या लाभ मिलेगी? प्रोग्राम से मैं चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम पर ईयर हो, ताकि जो भी बच्चे हर साल क्वालिफाइड करें उनको प्राइज से नवाजा जाए, ताकि उनको लोग जाने। जो घर तक महदूद है वो थोड़े बाहर निकल के तो सारे लोग कुल्टी के जाने कि हाँ ये हमारे टॉपर्स हैं, हमारे বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের শিশু উদ্যান গাছ লাগানো এই কাজ করে আসছে। এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন অঞ্চলে আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, কুলটি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় অনেকগুলো পার্ক অলরেডি আমরা তৈরি করেছি, এবং এখনও প্রায় 50টা মতন পার্ক আগামী দিনে আরও আমরা করতে চলেছি বিভিন্ন অঞ্চলে। এবং এই লরেটো স্কুলের সামনে এই জায়গাটি আমার মনে পড়ে যে আমাদের অভিজিৎ ঘটক তিনি বলেছিলেন যে এই জায়গাটি সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে ভালো হয়। এবং যেটা মিসেস জর্জ বললেন যে এই পার্কটি যখন শিশু উদ্যানটি করা হচ্ছিল তখন যেই ভাবনা এলো যে এই লরেটোতে পড়াশোনা করেছিলেন আমাদের মাদার টেরেসা, তো তার নামে যদি এই পার্কটি করা হয় তাহলে এই স্কুলকেও সম্মান জানানো হবে এবং মাদার টেরেসার প্রতিও আমাদের একটা
সম্মান ব্যক্ত করা হবে এবং এটাকে মাথায় রেখে তার নামে এই পার্কটি করা হয়েছে এবং তার একটা মূর্তিও এখানে বসানো হয়েছে। আগামী দিনে একটু আগে মিসেস জর্জ বলছিলেন যে এর অপোজিট সাইডে বাচ্চারা বা গার্জিয়ানরা যারা আছে তাদের জন্য একটা ওয়েটিং রুমের মতন বা ওয়েটিং একটা প্যাডেস্টালের মতন করে দিলে ভালো হয় যেখানে দু ঘন্টা চার ঘন্টা প্যারেন্টরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওয়েট করতে পারবে। আমরা অলরেডি আমাদের মণ্ডলগুলোকে বলেছি এস্টিমেট কম। আজ ঠাকুরজি কা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রজি কা ইয়া সৎসঙ্গ 132 জন্ম মহোৎসব সীতারামপুর और उसके आसपास के सभी भक्तजनों के साथ मनाया जा रहा है टैगोर इंस्टीट्यूट में। और उस उत्सव में बहुत सारे लोग देवघर से भी आए हुए हैं, आसनसोल दुर्गापुर वगैरह से भी बहुत सारे भक्तजन आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी माताओं का समागम है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इस टैगोर इंस्टीट्यूट में जो यह उत्सव मना रहे हैं उसमें ठाकुर जी का मूल उद्देश्य है कैसे मनुष्य सही ढंग से एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रह सके, कैसे उसमें सौहार्द बने, कैसे उसका प्रेम समाज के प्रति देश के प्रति कैसे बढ़े, ये सारी कामनाओं के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये उपस्थित होने का मूल एक और कारण है कि जिससे हम में जो भक्तजन है ठाकुर जी का उनके साथ भी परस्पर प्रेम भाव उनमें कहाँ कोई कमी है क्या है, इन सारी सभी बातों के लिए भी हम लोग एकत्रित होते हैं इस सत्संग के माध्यम से। और मैं ऋषिकेश मिश्रा यहाँ का एक कर्मी हूँ, ठाकुर जी का एक विशिष्ट कर्मी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक कर्मी हूँ उनका, जिससे मेरे माध्यम से ठाकुर जी का बहुत सा काम जो है वो हर वर्ष होता है। और मैं प्रत्येक दिन आज प्रोग्राम क्या क्या है यहाँ पर आज यहाँ पर प्रोग्राम क्या क्या है उस सत्संग में बहुत सारे जो कलाकार हैं संगीत के माध्यम से अपना गुरु जी का जो मूल बातें हैं